तो भाइयों आज हमारे सामने खड़ी है मारुति बलेनो सेकंड बेस मॉडल, और बेस मॉडल के अंदर इतने कुछ ज़्यादा फीचर दे दिए ना भाई कि आप जो हैरान हो जाओगे। और ये जो है ना इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, डेल्टा मॉडल है ये। और पहले जो आपका बेस मॉडल सिग्मा हो गया, ये जो सेकंड बेस मॉडल है डेल्टा जेटा वगैरह इसके अंदर मॉडल और भी आते हैं, सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ये। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे क्या कुछ जो आपको इसके अंदर फीचर देखने को मिलते हैं, क्या कुछ इंजन पावर है, सबके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देख लेना, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है और ये जो सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो अच्छे अच्छे फीचर देखने के लिए, ज़रूरत के सभी फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट से, तो ऐसा कुछ जो फ्रंट से फेसिया दिया गया है, यहाँ पर जो प्रोजेक्टर दिया गया है, यहाँ पर जो है हैलोजन, यहाँ पर जो इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पर जो क्रोम का यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्रोम के अंदर मारुति का लोगो, यहाँ पर मैट ब्लैक ग्रिल दी गई है, नीचे नंबर प्लेट की जगह है यहाँ पर आपको जो दिया है, और यहाँ पर जो है फोग लैंप आप जो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, इसके अंदर जो है फोग लैंप नहीं आते। और साइड प्रोफाइल चेक करो, बस यही भाई दिक्कत लगती है, यहाँ पर आप जंग देख सकते हो, मूड खराब कर देती है भाई ऐसे। कोई भी आपको जो व्हील कवर नहीं दे रखे, डिस्क ब्रेक आपको जो मिल जाती है, और जंग देख रही हो भाई, यहाँ पर जंग देख रही हो, पता ही नहीं भाई क्या सिस्टम चल रहा है इनका। तो टायर साइज़ की बात करें तो वो जो आपको 185/65/R15 15 इंच का आपको जो टायर सेक्शन मिल जाता है, अपोलो का टायर दिया गया है। फेंडर के ऊपर आपको जो इंडिकेटर नहीं दिया गया, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर जो आपको मिरर के ऊपर ही मिल जाता है। वाइपर की क्वालिटी चेक करो, हल्की फुल्की दे रखी, यहाँ पर जो वॉशर दे रखा है दोनों तरफ, रिक्वेस्ट सेंसर इसके अंदर नहीं आता, और ये दे रखा है रबड़, यहाँ पर जो है डोर वगैरह लगे ना। और एक बार यहाँ से चेक करो भाई, देखना भाई गैप यहाँ से, यही बात बुरी लगती है भाई मारुति की, थोड़ा सा अगर इन चीज़ों के अंदर सुधार कर लेना काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार हाँ की दिखा देता हूँ मैं आपको, तो की आपको जो ऐसी कुछ मिल जाती है, यहाँ से जो है अनलॉक लॉक यहाँ से हो जाएगी, आपको जो रिमोट की दे रखी है काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो सेलेरियो वगैरह के अंदर जो आपको वैसी दे रखी है। डोर ट्रिम की बात करें तो ऐसा कुछ जो आपको डोर ट्रिम मिल जाता है, सॉफ्ट टच दिया गया, यहाँ पर जो फैब्रिक का यूज़ किया गया, कोई भी लेदर का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर जो वन टच ड्राइवर साइड दी है, बाकी सारी पावर विंडो आपको जो मिल जाती है, यहाँ पर मिरर के लिए दिया गया है, चाइल्ड लॉक वगैरह दिया गया है, यहाँ पर जो है ब्लैक कलर के अंदर ही डोर हैंडल दिया गया, यहाँ पर जो है बोतल होल्डर दिया गया है, यहाँ पर स्पीकर, और ऐसी कुछ जो आपको सीट दे रखी है, फैब्रिक सीट दे रखी है, आगे पीछे आप जो मैनुअली करेंगे, यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दे रखा है, यहाँ पर जो हेडलैम्प को कंट्रोल कर सकते हैं, CNG वगैरह कंट्रोल यहाँ पर दे रखा है। और अंदर से ऐसा कुछ जो माहौल दे रखा है, ऐसा कुछ जो स्टेरिंग व्हील दे रखा है, यहाँ पर स्टेरिंग कंट्रोल दे रखे हैं, वॉल्यूम वगैरह के लिए दे रखे हैं, यहाँ पर फ़ोन ऑपरेट करने के लिए वॉइस कमांड, यहाँ पर जो मारुति का लोगो, यहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं दे रखा, थ्री स्पोक स्टेयरिंग दे रखा है, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पर जो लाइटिंग के कंट्रोल, ऐसा कुछ जो क्लस्टर दे रखा है एनालॉग प्लस डिजिटल, यहाँ पर जो RPM स्पीड, और बीच में जो आपको MID डिजिटल मिल जाती है। तो ऐसा कुछ जो आपको इंफोटेनमेंट दे रखा है, यहाँ पर जो फ़ोन वगैरह म्यूजिक वगैरह दिखाता रहेगा, इंफोटेनमेंट दे रखा है आपको, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो AC के कंट्रोल दे रखे हैं, यहाँ पर USB पोर्ट दे रखा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक AC दे रखी है भाई, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है ब्लू कलर चेक करो, यहाँ पर जो फिनिशिंग एक नंबर की दे रखी है भाई, ऊपर कोई भी मिरर नहीं दे रखा, यहाँ पर मिरर दे रखा है, यहाँ पर लाइटिंग हैलोजन दे रखी है, यहाँ पर IRPM, यहाँ पर कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल दे रखा है, बैक लाइट यहाँ पर दे रखी है। तो ओवरऑल डैशबोर्ड, यहाँ पर जो है आगे की बात करें ना डैशबोर्ड की, काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील करा रहा है, यहाँ पर जो बोनेट के लिए, यहाँ पर जो फील फिलर कैप के लिए, यहाँ पर जो छोटा स्टोरेज दे रखा है। अगर स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। अब चलते हैं पीछे और पीछे का लुक चेक करते हैं, और हाँ बीच का बताने भूल गया, यहाँ पर जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दे रखा है, यहाँ पर जो है हैंड ब्रेक दे रखा है,
आपको छोटा स्टोरेज दे रखा है, लेकिन आपको जो हैंड रेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर जो फोन वोन रख सकते हैं, टू कप होल्डर दे रखा है, ग्लव बॉक्स, ऐसा कुछ जो बैग से डोर दे रखा है, फैब्रिक का यूज मिल जाता है। यहाँ पर जो छोटा स्टोरेज, पावर विंडो, डोर हैंडल, बोतल होल्डर, स्पीकर, फैब्रिक सीट दे रखी है, और हैंडरेस्ट आपको जो एडजस्टेबल मिल जाती है 500 के 500। आप देख सकते हैं इधर की साइड, चेक करते हैं कंफर्ट। तो अगर कंफर्ट और स्पेस की बात करें ना भाई, तो आपको जो सेलेरियो से अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर आपको जो ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, दोनों तरफ आपको जो ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। 500 के 500 आपको जो हैंडरेस्ट एडजस्टेबल है मिल जाते हैं। आगे इस डैशबोर्ड चेक करो, नी रूम हेडरूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। यहाँ पर जो फ़ोन वोन रख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर सीट बेल्ट दे रखी है, बैक लाइट यहाँ पर दे दी। और अब बात करते हैं बैग की, थोड़ी गंदी हो रखी है। तो बैग से ऐसा कुछ जो लुक दिया गया, यहाँ पर वाइपर नहीं दिया गया, डिफोकर आपको जो मिल जाता है, बैक लाइट स्पॉइलर दिया गया, ऊपर एंटीना मिल जाती है, पीछे ऐसी कुछ जो आपको टेल लैंप दिए गए। यहाँ पर जो बेलेनो की बैजिंग क्रोम के अंदर, यहाँ पर जो मारुति का लोगो दिया गया है, नेक्सा की यहाँ पर जो बैजिंग आपको जो मिल जाती है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं, CNG में आपको जो मिल जाती है, जिससे आपकी जो एवरेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर पार्सल ट्रे दे रखी है, यहाँ पर जो है CNG का ये दे रखा है, स्पेयर व्हील आपको जो खड़ा, भाई बूट स्पेस इतना नहीं बस, ताकि जो इन्होंने कवर कर लिया सारे बूट स्पेस को। यहाँ पर ये जो सिलेंडर आ गया CNG का, और यहाँ पर जो है स्पेयर व्हील आ गया, तो भाई पूरी जगह ही कवर कर ली है। एक बार स्पेयर व्हील इसको जो है पार्सल ट्रे को नीचे करके देखते हैं। देखो भाई बूट स्पेस आपको जो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता। बैग वैग तो आप यहाँ पर तो वैसे ही फंसा सकते हैं, लेकिन आपको जो नहीं मिलता बाकी स्पेस की अगर बात करें। तो ओवरऑल अच्छी है गाड़ी, आपको जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो फीचर आपको जो अच्छे खासे मिल जाते हैं, एवरेज आपको जो अच्छी खासी मिल जाती है, पावर वगैरह आपको जो अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पर जो CNG के अंदर भी यहाँ पर जो ऐसे ले सकते हैं, अंदर से इंटीरियर भी आपको जो अच्छा खासा मिल जाता है, बिल्कुल डल सा आपको जो है यहाँ पर इंटीरियर नहीं दिया गया। और अब बात करें इसके इंजन की, तो इसके अंदर जो आपको 1200cc का इंजन दिया गया है, 4 सिलेंडर डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 89 bhp और 114 N·m ऑफ टॉर्क मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो पावर भी आपको जो ठीक ठाक मिल जाती है इसके अंदर, और एक जो आपको CNG देखने के लिए मिल जाती है। तो एवरेज के मामले में आपको जो कहीं भी निराश नहीं करेगी, निराश करेगी तो भाई वो इन जैसे कामों में करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी ठीक है, गाड़ी अच्छी है, हम जो इसे वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, क्योंकि जो है कई बार सेकंड बेस मॉडल के अंदर जो कंपनियां फेंडर के ऊपर जो इंडिकेटर दे देती है, तो वो जो काफ़ी जो है हम जो है मॉडिफाई भी नहीं करा सकते, पूरा पूरा जो फेंडर ही चेंज होता है, तो वो जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर मिरर के ऊपर ही दे दिया है। मारुति वैसे तो जो है समझदार है, बस जो इन जैसे कामों में अगर थोड़ा सा और सुधार कर देना तो भाई ठीक है। तो मारुति बलेनो आपको जो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।